ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਗਰੇਟ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਗਰੇਟ, ਮਾਮੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਮਾਮਾ ਖੋਲੇ ਗੇਟ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਗਰੇਟ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ। अरे क्या है? इतना किससे खोया हुआ है बातें करने में, इतनी इंटरेस्टिंग बातें किससे हो रही है कि बिल्कुल पता ना लग रहा कौन आ रहा है चौकी में, कौन जा रहा है। मैडम मैं तो वो राम टेलू हलवाई से बात कर रहा था। उससे थारा ये सब चल रहा है? नहीं नहीं अफेयर। नहीं नहीं लाओ। नहीं आजकल वो कुछ ठीक से बनाता नहीं, बस वो कह रहा था मैं उसे। अबे अबे पारदर्शी कपड़े हैं थारे जो अखबार पढ़े ले रहा है, इतना ढीठ है, एक तो मर के नहीं दे रहा है ऊपर से। आइए आइए। पुराना धूल जड़ा फर्नीचर है इसलिए हमने ढाक रखा है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ना है, हमसे बोल क्या है। मैडम हमने FIR लिखवानी है, बहुत परेशान है, कुल्फी पिघल गई। क्या कह रहे हो यार, पूरी की पूरी कुल्फी पिघल गई? यार ऐसे कैसे करते हो यार, तुमने कुल्फी को पिघलने क्यों दिया? कुल्फी के पिघलने से पहले उसे खा ले देना, वेस्ट कर देना तुमने पूरी की पूरी कुल्फी। तू घुस जा कुल्फी में, डंडी बन जा कुल्फी की, केसर बादाम बन के छिड़क ले तू कुल्फी पे। वेल ब्रो कहां पिघल गई कुल्फी, पड़ोसन के आंगन में या अड़ोसन की छत पे? ये कौन है? अरे यार तुम अपनी बोलो, एक फर्नीचर में प्रेत आत्मा है 500 साल पुरानी, तुम पे चिपट जाएगी, वरना तुम बोलो अपनी। मेरा हमाओ नाम है घंटू घमासान, कुल्फी पिघल गई। मैटर बोलिए मूछ मैन। देखो यार जो भी तुम्हारी बात है ना, मैडम के सामने बात की बत्ती सुलगाओ। मेरा मतलब है जो कुछ भी कहना है मैडम के सामने खुल के कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का डांडिया गुस्से के डिस्को के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की शाक की सिस्टर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। वेल ब्रो टोल्ड व्हाट इज द मैटर इज द मैडम, हमारी नई नई शादी हुई है। ओ कितनी नई, सॉरी सॉरी मैडम, दरअसल बात जो है हमारी जो बीबी है वो तुम्हें पीटती है। ओ अंकल जी, ऐसा है थारी बीवी थारे पे खूब अत्याचार करे, दिन रात तैने पीटे, इसका मतलब यो ना है कि औरों की बीवियों पे भी सुताई अभियान चालू है। तो बैठ जरा घूंघट की आड़ में। कैरी ऑन। बोलिए मैडम, हमारी जो बीबी है उनमें हमें बिल्कुल नहीं जमती कुल्फी पिघल गई। मैडम ये समझ लीजिए कि हमारी हमेशा जो है दोनों की ठनी रहती है। मैडम एक बार को फ्रिज में कपड़े धुल सके हैं, वॉशिंग मशीन में बर्फ जम सके हैं, लेकिन हम दोनों की आपस में ना जम सके कुल्फी पिघल गई। यानी उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ हो रहे हो तुम रजनीकांत ऐश्वर्या। आओ मैडम अब मैं बताऊं आपको, मैं कहता हूं कि चलो चाय पीते हैं, तब भी कहती है कि नहीं नहीं चाय छोड़ो काफी पीते हैं काफी। मैं कहता हूं चलो आप कह रही हैं काफी पी लेते हैं, वे कहती है अब काफी का मन नहीं अब तो चाय पियेंगे, कुल्फी पिघल गई। अरे तो हमसे क्या चाह रहा है तू, हाँ किसके खिलाफ लिखे हैं भाई यार? हमारे सास ससुर के खिलाफ, जिन्हें हम कभी नहीं करेंगे माफ। ओ इस सब के बीच में उन बेचारों का क्या कसूर है यार? कसूर नहीं ससुर।
मैडम जो सारी जो बरगला पंती भई है ना, इस सब का जिम्मेदार हमारो ससुर है। उनने हमसे शादी से पहले कही थी हमारी बेटी जो है एकदम एडजस्टिव नेचर की है बबुआ। वेल ब्रो, हर माँ बाप को अपनी बेटी गऊ ही लगती है। मेरे ससुर ने भी मुझे कहा था, दामाद जी हमारी बेटी गऊ है गऊ, लेकिन वो तो भऊ निकली, मतलब शेरनी निकली। ओह देखो यार, बात ये सही कह रहा है, मतलब इस तरह तो हर दामाद अपने सास ससुर के खिलाफ एफआईआर लिखवाता फिरेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बे सब कुछ हमें नहीं पता है, ऐसे मैडम जी हम नहीं जी सकते। भाई सास ससुर के खिलाफ तो बाद में करेंगे, जो कार्रवाई करनी है पहले बीवी ने लेकर आ है ना। हम देखें जो इतनी अपोजिट कह रहा है जिसे तू की बिल्कुल ही अलग है और उत्तर दक्षिण हो रही है, देखें वो इतनी है कि तू कोई गेम प्लान मचा रहा है। देखो पुलिस है, इन्वेस्टिगेट करना पड़े। ओके मैडम जी, कौन है इनने हमारी सारी पर्सनल कहानी सुन ली है, एक बार बता दो। बातें तो शर्मा जी जैसी कर रहे। ये यूं ही है, ऐसे ही निकलो मूछ मैन। गोपी जी स्माइल प्लीज, ही लुक्स बेटर, फोटोजेनिक हो रहा है तू ऐसे। पंजाबी में है जी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पंजाबी नहीं आती है? हमें इतनी पंजाबी आती है कि सारा पंजाब एक तरफ और हमारी पंजाबी एक तरफ। फिलहाल हम चेक करना चाहते कि तुम्हें कितनी पंजाबी आती है, पढ़ो और पढ़ के हमें ये बताओ कि हमारे राशि फल में क्या लिखा है। मेरे भाई राशि फल यहाँ है, यहाँ पढ़ो। आपको पता है? और हमारी राशि है कन्या। कन्या? कन्या जिंदगी में तो कन्या है नहीं सर, राशि में है हमारी। हमारी बातें क्या सुन रहे हो, पढ़ के देखो क्या है। ओके कन्या, इसमें लिखा है जी आप कभी भी किसी रिस्पेक्टेबल आदमी से अखबार मत छीनना। पढ़ता हूँ जी, पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है आज आप किसी भी लड़की के हाथ से लड्डू मत खाना वरना बर्बाद हो जाओगे। ऐसा लिखा है या? Carry on. नहीं, बंद करें हमें। घंटू एंड हिज वाइफ आर कमिंग, ओके? आइए आइए। यस मैडम को बुलवाइए। ओके मॉम, मॉम, मॉम। क्या दे मॉम मॉम? अबे बुढ़ाऊ हैं, बिल्कुल ही पोती की उम्र की लड़कियों को मॉम बनाए फिर रहा है, मोहल्ले में बदनाम कर रखा है मन ने बिल्कुल ही। कल मार्केट में ठेले वाला कह रहा था सब्जी वाला कि मैडम आपका बुढ़ा बच्चा जो है हमारे केले और सेब वगैरह चुरा के ले गया। सॉरी मॉम। मॉम असली मॉम कहाँ है थारी? है कुछ कहती ना है तने? क्या है, क्या है, कौन हो? मैं इनकी वाइफ हूँ शांति कुल्फी जंग। ओ शांति, अशांति मचा रखी है बिल्कुल ही तुमने। सुनने में आ रहा है बिल्कुल ही अपोजिट हो रही हो पति के, किसी बात से सहमत ना हो रही हो, बिल्कुल ईस्ट बेस्ट हो रही है दोनों मियां बीवी। नहीं नहीं मैडम, बात ये है कि ये ग्लास आपकी नजर में आधा भरा हुआ है और मेरी नजर में आधा खाली। मुझे तो लगता है यही ऑपोजिट है, हम दोनों की कभी नहीं नपती कुल्फी चंक। ये तो मैडम एक काम करते ना, इन दोनों का एक एग्जाम लेते हैं। वाह, हर कक्षा में जो है हर जमात में 6 बार फेल होने वाला लौंडा आज एग्जाम लेगा। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है, मतलब एग्जाम मतलब मैडम एक टाइप का खेल खेलते हैं जिसमें हम इन दोनों से एक सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये दोनों उस सवाल का
क्या जवाब देते हैं, मतलब कैसा जवाब देते हैं, पता चल जाएगा कितने ऑपोजिट है। गुड आइडिया। मम्मी जी पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अबे तू खुद एक सवाल है। ये पापा सवाल पूछूंगा, कर चल अपनी सारी जो आखिरी बिशेज हैं पूरी कर। हाँ तो भाभी जी। बेटी बोल बेटी। पुत्र जी ये बताओ एक और एक कितने होते हैं? दो। यस। नहीं, तीन में एक कम। ऑपोजिट। ठीक है, अब ये बताओ कि शहनशाह फिल्म में शहनशाह कौन था? अमिताभ बच्चन जी। यस। नहीं, अभिषेक बच्चन के डैडी। लो भैया, एक कह रहा है अमिताभ बच्चन जी, तो बीवी कह रही है कि ना भैया अभिषेक बच्चन के डैडी जी, जया जी के हस्बैंड जी, ऐश्वर्या जी के ससुर जी। सही बात है। यो तो बिल्कुल अपोजिट में हो रही है थारे, कुछ ना हो सकता। चलिए आप जाइए बहन जी, आपको बुलवाया गलती से। ओके मैडम, कुल्फी चमकी। अरे ये तो मैडम देखो बात भाई, ये तो चली गई, हमारी गृहस्थी को बचाइए मैडम जी। अब आप हमारे ससुर के खिलाफ FIR लिखिए, क्योंकि जे सब उनका ही किया धरा है, उनने जे सब आग लगाई है, हमारी इनसे शादी कराई है मैडम, कुल्फी बिगल गई। मैडम जब हम लड़की देखने गए थे तब उनने इनको लाके हमारे सामने बिठा दिया, एक तो जे लंबी है। ससुर, अबे ससुर के नाम से पहले भी रो रहा है ये, इसके ससुर और सास ने बुलवाओ जरा। ओके। और लंबाई में क्या प्रॉब्लम है थारी? मैडम अपोजिट है। तो पहले देख के मना कर देना था ना बिल्कुल ही, कि लंबी नहीं चाहिए हमको, एकदम गट्टी नाटी लाओ हमारे लिए, लिटिल। हमको क्या पता था मैडम, ससुर ने एक बार उठने दिया, हमने कहा पानी पिलाओ, कहते बैठी रहे बेटी, हमने कहा चाय पिलाओ, कहते बैठी रहे बेटी, फेरे में खड़ी हुई है तब हाइट पता लगी हमें। सर। अरे मैं चौटाला, गुड मॉर्निंग सर, यो देखिए लड्डू। सर मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी आज। क्या बात है मिस चौटाला, वेरी गुड वेरी गुड। आज आप किसी भी लड़की के हाथ से लड्डू मत खाना वरना बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम लड्डू नहीं खा सकते, हम लड्डू नहीं खा सकते, सॉरी। क्यों सर, खाइए ना। नहीं नहीं, हमने कहा ना हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम लड्डू नहीं खा सकते, स्पेशली लड्डू तो खा ही नहीं सकते। सर खाना तो पड़ेगा ही। नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खा सकते लड्डू, हम लड्डू नहीं खा सकते, अब लड्डू नहीं खाएंगे, नहीं 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 नहीं, लड्डू नहीं खा सकते, लड्डू नहीं, नहीं हम नहीं खाएंगे, प्लीज 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 हम नहीं खाएंगे सर, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं 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 नहीं, क्या कौन क्या सर, के नहीं खाएंगे और नहीं खाना चाहते, व्हाट इज हैपनिंग सर? अरे सर आप कह रहे थे कि आप नहीं खाएंगे, नहीं खाना चाहते हैं एक्सेट्रा। हाँ हम ये कह रहे थे, हम ये इसलिए कह रहे थे कि हमें सपने में कोई घूस खिला रहा था। हाँ, और हम उसे कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हम ये सब नहीं खा सकते, तो हम इसलिए ये कह रहे थे हम नहीं खा सकते सर। सर यू आर सो क्यूट सर, ना मतलब सपने में भी आप सर रिश्वत नहीं ले रहे, ईमानदारी आपकी इंटैक्ट है सर, मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आप जाइए ना, आप जाइए। ओके सर। चलो, अरे बाल मत बनाओ यार, आप चलिए अब। मैडम ये लड़की के माँ बाप। हाँ भाई, नाम बोलिए अपने। जी मेरा नाम है रत्तू रुवासा, अभी रो दूंगा, अभी रो दूंगा। हाँ जैसे कि मैं तो बड़े जुल्म और सितम ढा रही हूँ तुम पे हैं? अरे फूटी किस्मत दाए दाए। ओ फूटी किस्मत दाए दाए, इब जवान से एक लफ्ज भी फूटा ना तो धाए धाए गोलियां चलेंगी यहाँ आंटी पे। नहीं
नाम बोलिए अपना। गोल्डन ब्लाउज लारा दत्ता। कैरी ऑन। देखिए अंकल आंटी, बात यह है कि आपके दामाद यहां पर आए थे और उन्होंने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है। क्या आपने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती उस लड़के के साथ कर दी, जबकि आपकी बेटी उससे एकदम ऑपोजिट है। जब वो लड़का आपके यहाँ लड़की देखने भी आया था, तब आपने लड़की को ना मुंह खोलने दिया ना कुछ बोलने दिया। सारे वो लड़के के सवालों के जवाब आप देते रहे। अंकल आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों अंकल है, कथई राखी सावंत हो रहे हो? बिल्कुल ही जवान पे कोई रोक नहीं है। अगर तब चुप रहते तो आज वो दिन देखना ना पड़ता, चौकी में आ गए। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, जो बात आज कह रही है ना मैडम, मैं इन्हें कब से कह रही हूँ सुनते ही नहीं है। अरे मैडम इनकी तो आदत ही है खिचड़ी पे देसी घी टपकाने की, फूटी किस्मत धाय धाय। मैडम मेरी जो बिटिया है ना वो तो उल्टी ही है, सारे काम उल्टे करती है, उल्टा सोचती है, उल्टा करती है, उल्टा ही बोलती है। ओहो, इसका मतलब वो आपको डैडी और इनको मम्मी कहती है। देखो दादाजी तुम तो चुप ही रहो। देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि जो हमारी बेटी है ना उसका नेचर शुरू से ऐसा ही है, अभी रो दूंगा। इसीलिए मैडम मैंने उसकी शादी घंटू से कर दी, क्योंकि घंटू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और वो बड़ा सुशील लड़का है। तो मैंने ये समझा कि भाई हमारी बेटी जो है ना वो एडजस्ट तो करेगी नहीं, तो घंटू कर लेगा। लेकिन मैडम हुआ उल्टा, अभी रो दूंगा। तुम तो चुप ही रहो हैं, तुम हो एक नंबर के छिछालेदार किस्म के आदमी हैं। अब क्या मिल गया हां? अरे उधर अपनी बिटिया परेशान हो रही है और इधर दामाद हां फूटी किस्मत धाय धाय। अरे तो क्या करता है? अरे भाई कुंवारी बेटी को सारी जिंदगी अपने घर में बैठाए रखता है, अभी मैं रो दूंगा। मैडम मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम। मैडम मैंने तो ये सुना है कि जो आपके दरवाजे पे आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ सब हथकड़ी लगा कर जाते हैं। मैडम जी आप कुछ ऐसा करिए कि मेरी बेटी और दामाद का घर बस जाए। मैडम एक्चुअली मेरी भी जो बीवी है ना वो पहले एकदम मेरे से ऑपोजिट सोचती थी, ऑपोजिट बोलती थी। मतलब मैं कहता था कि भाई आलू का पराठा बनाओ तो वो कहती थी भाई गोभी का पराठा खाओ। लेकिन एक दिन मैडम ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। तो रैप्टा खा के बताएगा या गोली खा के? नहीं नहीं बता रहा हूँ ना मैडम, एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में सांप आ गया और उस सांप ने मेरी बीवी को काट लिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सांप ने तुम्हें काट लिया है। तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ सांप ने मुझे काट लिया है। मैडम पहली बार हम दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ, उसने मेरी बात में हामी भरी। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सांप का जहर चूस के निकाल लेना चाहिए, तो उसने कहा हाँ। दूसरी बार मैडम उसने मेरी बात में हामी भरी। बस मैडम फिर होना क्या था, उसके बाद मैंने सांप का जहर चूस के निकाल लिया। उस दिन पहली बार मेरी बीवी मेरे साथ सहमत हुई और आज तक सहमत है और यही मेरा मत है। यानी कि अगर इनकी बेटी अपने पति के संग किसी बात पे एक बार सहमत हो जाए तो फिर बात बन सके। ऑफ कोर्स। मम्मी जी मेरा एक दोस्त है जो सपेरा है। ऑफ कोर्स तारा एक दोस्त सपेरा है, हैं? एक मदारी है, एक जो है रीच पालता है, एक गैम्बलर है, जुआरी है, एक शराबी है, एक कबाबी, एक बार वाला है। बस इसी तरह के दोस्त हैं थारे, कंपनी थारी, सोशल सर्कल ऐसा ही है थारा। आगे बोल। एनीवे मम्मी जी उसके पास ना कई तरह के सांप हैं जी, जहर वाले भी और बिना जहर वाले भी। जब मेरी सास 2 महीने से ज्यादा मेरे घर टिक जाती है ना, मैं उसे एक सांप ले आता हूँ, वो उसे देख के भाग जाती है। हो गया? बुलवाओ अपने उस दोस्त सपेरे ने बुलवाओ और इनके दामाद ने भी बुलवाओ। ओके।